नमस्कार, मैं राबिया और आप देख रहे हैं इसके लिए आपका समय आपकी खबर। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय सिलेक्शन फर्नीचर, शॉप ऑनलाइन एट selectioninterior.com टू गेट स्पेशल डिस्काउंट्स। 22 साल के लंबे समय के बाद पहाड़ में होने जा रहा है पंचायत चुनाव। पहाड़ पंचायत चुनाव को लेकर सिलीगुड़ी के माटीगढ़ा इलाके में दार्जिलिंग के सांसद राजू बिस्टा के घर पर सर्वदलीय बैठक आयोजित हुई। बैठक में विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। पहाड़ में 22 साल के लंबे समय के बाद पंचायत चुनाव होने जा रहे हैं और इसीलिए इस बार पहाड़ी के सभी राजनीतिक दलों ने पंचायत चुनाव लड़ने की तैयारियां शुरू कर दी है। पंचायत चुनाव से पहले आज सिलीगुड़ी के माटीगढ़ा इलाके में दार्जिलिंग के सांसद राजू बिस्टा के आवास पर सर्वदलीय बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में पहाड़ी के विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने शामिल हुए। बैठक में मूल रूप से उन सभी पार्टियों के प्रतिनिधि शामिल होते दिख रहे हैं जिनसे बीजेपी का गठबंधन है। पता चला है कि दार्जिलिंग के विधायक और GNLF पार्टी के महासचिव नीरज तामांग जिम्मा, गोरखालैंड राज्य निर्माण मोर्चा के अध्यक्ष दावा पखरीन और भाजपा के जिला नेता बैठक में उपस्थित रहे। कुछ बिहार के लेस डाउन हॉल में सभी राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ सर्वदलीय बैठक आयोजित। सर्वदलीय बैठक में वाम मोर्चा और भाजपा के सर्वदलीय चुनाव केंद्रीय बलों द्वारा कराने की मांग की। वहीं विपक्ष का आरोप है कि राज्य पुलिस के रहते शांतिपूर्ण चुनाव कभी संभव नहीं है। भाजपा और फॉरवर्ड ब्लॉक के नेता पहले ही आरोप लगा चुके हैं कि कई जगहों पर विपक्षी उम्मीदवारों को धमकाया जा रहा है। एक ओर जहां सुरक्षा के मुद्दों पर चर्चा के अलावा नामांकन पत्र जमा करने की समय सीमा को बढ़ाने की मांग की गई, हालांकि तृणमूल कांग्रेस के राज्य पुलिस के साथ शांतिपूर्ण चुनाव कराने का दावा किया गया। একশো শতাংশ ভরসা হচ্ছে রাজ্য পুলিশের ওপর। বললাম যে রাজ্য পুলিশ যদি SP একা দাঁড়িয়েও কন্ট্রোল করতে পারে, মানে ভোট করতে পারেন শান্তিপূর্ণভাবে, আমাদের কোনো আপত্তি নেই। বামেরা রামেরা তারা দাবি করছেন যে কেন্দ্রীয় বাহিনীতে ভোট করতে, আমরা বলছি যে কেন্দ্রীয় বাহিনীটাই লাগবে না। আর কেন্দ্রীয় বাহিনী কুচবিহারে এত আছে ওরা ভাগাভাগি করে নিতে পারে, রাম বাম করে ভোট, কিন্তু ভোট শান্তিপূর্ণভাবে হবে এবং আমরা চাই মানে একদম প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত শান্তিপূর্ণভাবে এই পঞ্চায়েত নির্বাচন হোক। দাদা, ফরওয়ার্ড বলছে যে ইতিমধ্যেই তৃণমূলের হুমকি দেওয়া শুরু হয়ে গেছে, মেকিগঞ্জ দিনাটা থেকে অভিযোগ পাচ্ছে তারা। এই যে আসলে স্বপ্ন দেখে যদি আটকে উঠে কেউ, আমরা তো আর কি সেটা কিছু করতে পারবো না। কোনো স্পেসিফিকভাবে তো কেউ বলতে পারলো না যে অমুক জায়গায় এটা হয়েছে, তমুক জায়গায় এটা হয়েছে। ও হলে বলুক, আমরাও চেষ্টা করবো। পুলিশ যেমন দেখবে, পুলিশকে তো আমরা বলে দিয়েছি সবার সামনে যে আপনারা ব্যবস্থা নিন। আর আমাদেরও যদি বলে, আমরা আমাদের সভাপতি আছেন, চেয়ারম্যান আছেন, আমাদেরও টিম পাঠিয়ে আমরা এগুলো দেখবো যাতে এইসব না হয়। কারণ আমাদের রাজ্যের থেকে সিদ্ধান্ত যে পিসফুলি পঞ্চায়েত ভোট করতে হবে। उत्तर दिनाजपुर में 20 से 25 भाजपा उम्मीदवारों ने भरा नामांकन। प्रदेश के विभिन्न जिलों में अशांति के बावजूद भाजपा प्रत्याशियों ने निर्भय होकर शांतिपूर्ण तरीके से नामांकन पत्र दाखिल किया। उत्तर दिनाजपुर जिले के ग्वालपोखर 1 नंबर ब्लॉक में भाजपा प्रत्याशी नामांकन पत्र दाखिल कर रहे हैं। भाजपा नेताओं ने दावा किया कि नामांकन पत्र दाखिल करने में कोई दिक्कत नहीं है। भाजपा नेताओं ने कहा कि लगभग 20 से 25 भाजपा उम्मीदवारों ने आज नामांकन पत्र दाखिल करने में उम्मीद है। वहीं दूसरी ओर नामांकन पत्र जमा करते समय किसी प्रकार की अप्रिय घटना न हो इसके लिए ब्लॉक में विशाल पुलिस बल तैनात किया गया। বিজেপির পক্ষ থেকে আমি আগে নমিনেশন করেছিলাম গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে, তো আমি এখন রানিং মেম্বার, এখন আপাতত আমার পদ হয়তো চলে যাচ্ছে। এরপরে আমি এখন আজকে সমিতি থেকে আমি নমিনেশন জমা করলাম, আমারই নমিনেশনটা প্রথম হয়েছে আজকে। কোনো রকম বাধা কোনো কিছু না না, খুব সুন্দরভাবে হয়েছে। আর যারা ছিলেন অফিসে তারা আমাদেরকে যথেষ্ট সাহায্য করেছে আর ভালোভাবে সুন্দরভাবে প্রশাসনের দিক থেকে কোনো অসুবিধা নেই, ভালোভাবে নমিনেশন জমা দিয়েছে। দেখুন, নমস্কার জানাই আপনাদের সকলকে। আমরা ভারতীয় জনতা পার্টির পক্ষ থেকে গোয়ালপুকুর বিধানসভায় এই সকাল থেকে আমরা ঘুরছি, কালকেও এসেছিলাম। তো কালকে যে DCR সেটা এখানে আসেনি, তো আজকে সকাল থেকে এসে লাইন দাঁড়িয়ে DCR কেটে আমাদের এই প্রথম একটা নমিনেশন আমরা পঞ্চায়েত সমিতি যেটা 34 নম্বর শাহপুর 1 সেটা আমরা এটা সম্পূর্ণ করেছি। सिलीगुड़ी के नॉर्थ समरनगर बाजार से सटे सिमुलगुड़ी इलाके में एक गृहिणी की रहस्यमय मौत से इलाके में मचा हड़कंप।
जानकारी मिली है कि शुक्रवार की रात पति पत्नी के बीच विवाद हो गया था। अगली सुबह गृहिणी का शव बरामद हुआ। गृहिणी का नाम शिवली चौधरी है। गृहिणी के पति का नाम नारायण रॉय है। गृहिणी के परिवार का आरोप है कि उसके पति ने गृहिणी की हत्या की है। वहीं गृहिणी के परिवार ने कड़ी सजा देने की मांग की। पुलिस पूरी घटना की जांच में जुटी है। पारिवारिक सूत्रों के मुताबिक शिवली देवी ने 2008 में नारायण रॉय के साथ शादी की थी, तब उनकी एक बेटी भी हुई। आरोप है कि शादी के बाद नारायण शिवली को प्रताड़ित करता था। गृहिणी के पिता का कहना है कि घर में फंदे से लटकने जैसी जगह नहीं है। दामाद ने बेटी का गला घोट दिया। घटना रात जखन 11টা বাজে তখন আমাদেরকে ফোন করে মানে আমার ছেলেকে ফোন করল জামাই এখানে ঝগড়া লাগছে তোমার মেয়ের সাথে দেখে যাও। তখন এবার আমি গেলাম, আমার ছেলেও গেল। যাইয়া দেখতেছি ওরা মারামারি করছে একচোট। আমি যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বলতে যে আমি তোমার মেয়েকে রাখবো না, তোমার মেয়েকে নিয়ে যাও। তখন আমি বললাম তুই ভালোবাসা করে বিয়ে করছিস, কাকে জানিয়ে বিয়ে করলি? এরপরে পঞ্চায়েত নিয়ে তো বসাবসি হলো। তখন তো আমি বলছিলাম আমি মেয়ে আর তোকে দিব না, তুই দুদিন পরপর মারবি, আর আমি মেয়ে তোর এখানে দেওয়াতে না দেওয়াটাই ঠিক আছে। যদি আমি ছোটোর থেকে এতদিন যদি বড় করতে পারি তাহলে সারা জীবন আমি খাওয়াতে পারবো না আমার মেয়েকে। তখন আমি বললাম ঠিক আছে তোকে আমি দিব না। তখন পঞ্চায়েতের লোকগুলো বললো এ হাতে পায়ে ধরে কিন্তু নিয়ে গেলাম আমাদের এখানে। सिलीगुड़ी डाबग्राम 2 नंबर क्षेत्र के पूर्वी हाटियाडांगा क्षेत्र में कल रात हुई चोरी। नगद रुपए, सोने चांदी के जेवरात लेकर भागा चोर। सिलीगुड़ी मेट्रोपॉलिटन पुलिस के आसीगढ़ चौकी से कुछ दूर पर इस तरह की घटना हुई। जानकारी मिली है कि सुनील पासवान कल सुबह काम पर निकले थे। इसके बाद जब वह रात को घर वापस लौटे तो घर का दरवाजा खोलकर उसने देखा कि घर का सारा सामान बिखरा पड़ा है और अलमारी में रखे जेवरात और पैसे गायब है। हालांकि बिस्तर पर एक बटुआ है जिसके अंदर एक आधार कार्ड, बांग्लादेशी पैसे और कई कागजात बरामद हुए हैं। सूचना मिलने पर आसीगढ़ चौकी की पुलिस मौके पर पहुंची। सुनील ने यह भी कहा कि उनके और उनके भाई के घर में चोरी हुई है। 2 कमरों में रखे सोने के जेवर, चांदी व 70-75 हज़ार रुपये नकदी चोरी हो गई है। मकान मालिक ने चोरी की लिखित शिकायत थाने में दर्ज कराई। सूचना मिलने पर आसीगढ़ चौकी की पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। क्या हुआ था? क्या होगा, यहाँ पे मेरा तो जेठू जा यहाँ पे रहता था, तो उनका तो भाई का शादी था तो परसों चल गया, माँ का घर गया। और मेरा देव, मेरा भैंसुर तो यहाँ पे रहते थे। यहाँ पर मेरा भैंसुर आके सुबह में 7 बजे काम में जाता था, वहाँ से 8 बजे रात को यहाँ पे आता था। आके आज मैं देखा जो घर का सामान इधर उधर गिर टूट सब, मतलब जिनिस पत्र सब इधर उधर हुआ है। उसका बाद वो फोन किया हम लोग को, वो घर पर, जे घर में सामान वामान सब चोरी हो गया, यहाँ पे सबको बुलाया हल्ला करके, घर मेरा बर्बाद हो गया, लूट गया सारा सामान। तो हम लोग वहाँ से आके देखे, मेरा भी घर का सामान गया, उनका भी घर का सामान गया। अच्छा, आपका घर में कितने रुपया था, कितना जेवर था? मेरा घर में तो 35,000 रुपया था, जो हम बोलेंगे हम 35,000 रुपया रखे थे, जो 1-2-3 जेवर ही था। अच्छा, इसका बाद कुछ भी नहीं। कितने रुपया का जेवर था? जेवर देखिए ना, जेवर तो होगा कितने रुपया का? 40,000 का। आपका जो जेठ जो था, जेठ के घर में, उनका घर में 1-1.5 लाख का जेवर होगा। अच्छा, और रुपया था क्या? रुपया 40,000 रुपया केस था। अच्छा, कैसे चोरी कैसे किया था, वो जो आया था कैसे आया था? उधर से देखे, उधर से दीवार तोड़ के आया था। 12 किलो 700 ग्राम गांजे के साथ एक व्यक्ति हुआ गिरफ्तार। सिलीगुड़ी में गुप्त सूत्रों से कार्रवाई करते हुए भक्तिनगर थाने की पुलिस ने सिलीगुड़ी के पीसी मित्तल बस स्टैंड पे मिथुन घोष नाम के एक युवक को 12 किलो 700 ग्राम गांजे के साथ गिरफ्तार किया है। घटना की जानकारी के अनुसार जलपाईगुड़ी जिले के दलगांव निवासी मिथुन घोष नाम का युवक डुआर्स के वीरपाड़ा से गांजा का बैग लेकर सिलीगुड़ी आ रहा था। पुलिस सूत्रों से अनुसार पीसी मित्तल बस स्टैंड पर मिथुन घोष गांजा हस्तांतरण करने का इंतजार कर रहे थे। इसी बीच पुलिस ने उसे गांजा की बोरी समेत पकड़ लिया। आरोपी का घर उत्तर दिनाजपुर जिले के में बताया जा रहा है।
समय हो चला है छोटे से ब्रेक का, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। दिस इज मेड ऑन फ्लश डोर, द ब्यूटीफुल कटिंग इज डन ऑन सीएनसी मशीन, दोनों साइड से ग्लास लगा दिया है जिससे भीतर डस्ट एक्युमुलेट नहीं हो, एनी टाइप ऑफ डिजाइन इज पॉसिबल हियर। ये एक टीकूड से बना हुआ डोर है विद द ग्लास, इट कैन बी फिक्स्ड अप इन योर मंदिर, इन योर बैल्कोनी, इसमें कोई भी डिजाइन पॉसिबल है, स्लाइडिंग भी हो सकता है, कैशमेंट भी हो सकता है। दिस इज अ ब्यूटीफुली डेकोरेटेड डोर ऑन फ्लश डोर, दिस इज अ सीएनसी डोर विद 3D डिजाइन, एनी कलर एनी पॉलिश अवेलेबल, दिस इज अ व्हाइट डोर, 3D कार्विंग करी हुई है इस पर, दिस ऑल इज अवेलेबल अंडर वन रूफ एट 7 कॉन्सेप्ट्स लोकेटेड एट परनामी मंदिर रोड। 6 रुपया मा एक करोड़ केवल 6 रुपया मा किन्न होस डियर साप्ताहिक लॉटरी केवल 6 रुपया मा अनि जित्नु होस पहिलो पुरस्कार 1 करोड़ रुपया 6 रुपया मा एक करोड़ 6 रुपया मा 6 रुपया डियर साप्ताहिक लॉटरी भाग्य बदलिने बाटो। Security guard job vacancy. Passionate about protecting others? Looking for a secure environment to work in? We have the perfect opportunity for you. Requirements: minimum qualification, class 10 pass, age 21 to 39 years, male height 5 feet 7 inches, female height 5 feet 3 inches. Job interview, the 12th of June 2023, Monday. Apply now and secure your future as a security guard. Don't miss out on this chance. Job interview, the 12th of June 2023, Monday. At Future Vision Consultancy near ISKCON Mandir, Siliguri. Call 9800-866-855. Tina ka ghar banane ka total samadhan. Bajar bhav se hamare yahan kifayti dam. Ghar, dukan, makan, godam banane ke liye. Tina, profile sheet, rangin tina, pipe, adi saman ki nahi dukan. Tina lagane ke liye mistri bhi uplabdh hai. Mahavir Steel, 3rd Mile, Vega Mall ke samne, Siliguri. कॉन्टैक्ट नंबर 6297588103। 50-70% कम कीमतों पर लाजवाब डिजाइन, ब्रांडेड फर्नीचर, गारंटी सहित मजबूती का वादा, सही समय है बना लो इरादा। बेडरूम सेट, सोफा सेट, डाइनिंग सेट, ऑफिस, आउटडोर फर्नीचर एंड मॉड्यूलर किचन उपलब्ध है। मनी कांट बाय हैप्पीनेस, बट मनी कैन गिव यू कम्फर्ट टू बी हैप्पी। For ready and customized furniture, visit Selection Furniture, 1st floor, Metro Heights, Savok Road, Siliguri. Contact 9832011336. A complete IT and security surveillance solution. From high-end professional networking solutions to biometric application, from CCTV cameras to access control, from fire alarms to vehicle monitoring systems, we do it all. Security for all, government establishment, army, banks, education, healthcare, hotels, retail chain, police, projects, real estate or home. Our services take care of everything from conducting surveys, analyzing requirements, designing solutions to implementing, installing electronic security systems and maintenance. Sidwap Siliguri 9434023813। ब्रेक के बाद खबरें विस्तार से। पंचायत चुनाव में मालती राभा राय ढूंढने पर भी नहीं मिलेंगी, रविंद्र घोष। पंचायत चुनाव की तारीख की घोषणा के अगले दिन यानी 9 जून से नामांकन पत्र दाखिल करने की शुरुआत हुई। कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने तूफानगंज पहुंचे तृणमूल कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष रविंद्र घोष। तूफानगंज में रविंद्र घोष ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। उन्होंने वहां संवाददाताओं से बात करते हुए कहा, तूफानगंज विधानसभा के भाजपा विधायक मालती राभा राय पंचायत चुनाव के बाद नहीं दिखेंगी। उन्होंने मालती राभा राय को वोट पक्षी कहकर ताना मारा। पंचायत चुनाव आए तो वोट मांगने फिर से लोगों से मिले। हालांकि मालती राभा राय ने इस संबंध में रविंद्र घोष पर तंज कसने में बाज नहीं आई। उन्होंने कहा कि वोट पक्षी कौन है और कौन नहीं मिल रहा, इसका जवाब कुछ बिहार की जनता ने बखूबी दिया है। निर्वाचन घोषणा हो गए ग्राम पंचायत 30 स्तरे प्रार्थी मनोनयन पत्र दाखिल शुरू हो गए एन तो थकते हैं वास्तवभवे थकते एक देखाशुना करते हैं তিন দিন আগে নির্বাচন ঘোষণা হয়েছে, এখনও তৃণমূল শাসক দল প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করতে পারেনি বলে অভিযোগ। আমাদের প্রার্থী তালিকাও আছে, সবই আছে, দেখছেন না লাইন দেয় আমাদের তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থীরা তিন স্তরেই ডিসিআর করতেছে, ফর্ম তুলতেছে, লেখালেখি করতেছে, প্রার্থী আবার নাই, একটা একটা বুথে 10-12টা করে প্রার্থীর দাবিদার, আমাদের প্রার্থীর কোনো অভাব নেই। আপনাদের জমায়েতের থেকে বিজেপির জমায়েত বেশি? আমাদের জমায়েত না, ভোট, ভোটের বাক্স প্রমাণ করে দেবে, খালি কলসি বাজে বেশি তো তো বাজবে, থাক ভরা কলসি আমরাই দেখাই দেবো, আমাদের কলসিটা ভরা আছে আর ভোট
মমতা মাঝির উন্নয়ন আর পরিষেবার হাত ধরেই ভোট আসবে তৃণমূল কংগ্রেস পার্টিতে। দেখুন কে ভোট পাখি আর তাকে খুঁজে পাওয়া যাবে না। কোচবিহারের মানুষ অনেক আগেই জবাব দিয়েছে। তুফানগঞ্জের মানুষ যে তাদের MLA সবসময় থাকে, পাশে থাকে, সেটা তুফানগঞ্জের মানুষ জানে। রবীন্দ্রনাথ ঘোষকে নিজের নিজের মানুষ যেভাবে অপমান করেছে, নেতাগরীর মানুষ যেভাবে অপমান করেছে এবং নির্বাচনে পর্যদস্ত করে দেখিয়ে দিয়েছে যে উনি একজন গুরুত্বহীন মানুষ। কালচিনী ব্লক পঞ্চায়েত কে লিয়ে ভাজপা হুয়া RSP নে কিয়া নামাঙ্কন দাখিল। अलीपुरद्वार कालचिनी ब्लॉक पंचायत के लिए भाजपा हुआ RSP ने आज नामांकन दाखिल किया। इस दिन भाजपा के 30 पंचायत सदस्यों ने और RSP के 3 पंचायत सदस्यों ने नामांकन दाखिल किया। भाजपा जिला सचिव राजेश बल्ला ने बताया कि कालचिनी, गोड़ोपाड़ा, चौपाड़ा, जयगांव ग्राम पंचायत के 30 लोगों ने भाजपा की ओर से नामांकन दाखिल किया है। उपरोक्त जयगांव क्षेत्र के 3 RSP पंचायत के नामांकन दाखिल किए गए। भाजपा व RSP नेताओं ने कहा कि कालचिनी में शांतिपूर्ण ढंग से नामांकन हुआ। हमरा पंचायत ने नमनशन कर कालचिनी विधानसभा मध्य गोटा 30 जन आज के पंचायत नमनशन कर कालचिनी विधानसभा कालचिनी কালচিনি জিপি, গারোপাড়া জিপি, চুয়াপাড়া জিপি। গিরিয়া পুল নির্মাণ কি মাং মে গ্রামীণ নে কিয়া মতদান বহিষ্কার কা আহ্বান। আলিপুরদ্বার মে পুটিমারা ইলাকে মে নিবাসীয় নে আজ দোপহর মে আলিপুরদ্বার সে ফালাকাটা জানে ওয়ালে মুখ্য মার্গ কো জাম কর দিয়া অর বিরোধ প্রদর্শন মে শামিল হো গয়ে। ক্ষেত্রবাসীয় নে বাতায়া কি পুটিমারা মোড় সে কুচবিহার জিলে কে গোকস ডাঙ্গা জানে ওয়ালে রাস্তে মে গিরিয়া নদী মে পুল কি হালত বর্ষো সে খারাপ হ্যায়। नदी पर पुल नहीं बनते, पथ पे मतदान नहीं होंगे। इधर पुटीमारा मोड़ क्षेत्र में सड़क जाम होने के कारण कारों की लंबी लाइन सड़क पर लग गई। यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। सिलीगुड़ी में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। सिलीगुड़ी ग्रेटर यूथ लायंस क्लब ऑफ हिलकर रोड ट्रेड्स एसोसिएशन ने रक्तदान संकट को कम करने के लिए सिलीगुड़ी में रक्तदान शिविर का आयोजन किया। शिविर का आयोजन आज हिलकर रोड संघ व्यापारी संघ कार्यालय में किया गया। इसमें सिलीगुड़ी तराई लायंस ब्लड बैंक के सहयोग भी किया गया। आयोजकों ने बताया कि शहर में खून की कमी को पूरा करने के लिए कैंप लगाया गया था। शिविर से एकत्रित रक्त को सिलीगुड़ी तराई लायंस ब्लड बैंक में भेजा जाता है। না, আমাদের রক্তের কোনো বিকল্প নেই। রক্ত হচ্ছে সবচেয়ে বড় দান আর কি। আমরা টাকা পয়সা দান করি, তার থেকেও বেশি প্রয়োজনীয়তা হচ্ছে রক্তের দান। কারণ রক্ত কোনো ফ্যাক্টরিতে তৈরি হয় না, মানুষের রক্তই মানুষের কাজে লাগবে। এবং রিসেন্টলি আমরা দেখছি যে শিলিগুড়ি শহরে রক্তের ভীষণ স্কেরসিটি হয়ে গেছে এবং সেজন্য আমরা প্রতি বছরই ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্প করি। এবং এর এগেস্টে যারা কার্ডগুলো আমাদের দেয় ওরা, তারা এই ব্লাড ব্যাঙ্ক থেকে সেগুলো প্রচুর কাজে লাগে। রাত্রি 12টার সময় কারো যদি ফোন আসে যে আমাদের ব্লাড কোনো কার্ড লাগবে, আমরা সেই কার্ড দিই, সেই কার্ডের এগেস্টে তারা এই ব্লাড ব্যাঙ্কে গিয়ে ওরা এখন থেকে ব্লাড পেয়ে যায়। এটা খুবই প্রয়োজন, এটা আমরা প্রত্যেকবারই করি। ফিলহাল কে লিয়ে ইতনা হি, আব দিজিয়ে মুঝে ইজাজত, তমাম খবরে আপডেট কে লিয়ে বনে রাইজ ক্লাব পে।